दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साक्षी मोटर्स एवं ट्रैक्टर्स लाए हैं दिवाली धमाका। ट्रैक्टर्स के इतिहास में पहली बार सोनालिका का हैवी ड्यूटी धमाका रिटर्न। मौका छूट न जाए, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें साक्षी मोटर्स एवं ट्रैक्टर, नई गल्ला मंडी रोड के पास सागर मध्य प्रदेश। प्रोपराइटर बीरंद्र पूनम पटेल। भारत में सफाई कामगारों के हितों को देखते हुए सरकार के द्वारा भले ही मैला प्रथा पर रोक लगाने का दावा किया जाता है, पर आज भी कई अंचल ऐसे हैं जहां इस प्रथा का बोलबाला है और सफाई कामगार सर पर मैला धोने के साथ सीवर और गटर को साफ करने का कार्य करते हुए किसी न किसी वजह से अपनी जान गंवा रहे। ऐसे में इस मामले में प्रमुख रूप इस कार्य में लिप्त सफाई कामगार के कम शिक्षित होने के चलते उन्हें भी संविधान में मिले समानता सहित अन्य मूलभूत अधिकारों की जानकारी नहीं होना एक बड़ी वजह सामने निकल कर आई है, जिसके कारण जहां आज भी वह इस कार्य को करने में मजबूर हैं, तो वहीं समाज में छुआछूत की नज़र से देखे जाते हुए मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारी आंदोलन संगठन के द्वारा इस मामले में मिशन 2021 के उद्देश्य के तहत सफाई कामगारों को संविधान में मिले उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने सहित सरकार द्वारा मैला प्रथा पर रोक के लिए 2013 में लागू एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग उठा स्वाभिमान संदेश साइकिल यात्रा निकाली जा रही, जो उन बस्तियों में पहुंच जागरूकता लाने का काम कर रही जहां सफाई कामगार बहुत आयात मात्रा में रहते हैं। निकाली जा रही साइकिल यात्रा में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, जो प्रमुख रूप से अपनी साइकिल के आगे यात्रा के उद्देश्य को अंकित करती हुई स्लोगन लिखी तख्तियां लगाए बस्ती में पहुंच जागरूकता का संदेश का प्रचार प्रसार कर रही समाज में चेतना लाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में भगवानगंज अम्बेडकर प्रतिमा के पास से सागर में आज इस यात्रा की शुरुआत हुई, जहां बाबा साहेब को नमन करने के बाद यात्रा नगर भ्रमण पर निकली और अपने उद्देश्य से सभी को अवगत कराती दिखाई दी। आयोजित यात्रा का बड़ी संख्या में अन्य संगठनों के प्रतिनिधि ने जगह जगह स्वागत भी किया। रैली किस उद्देश्य से निकालनी और इसका क्या मतलब है? सर, ये साइकिल यात्रा, स्वाभिमान साइकिल यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि आज भी मेला प्रथा गायब है और सीवर में हमारे वाल्मीकि समाज के भाई लोग, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, तो इन सब के मतलब सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि इस पर रोक लगाएं। जैसे कि आपने बताया कि आप लोगों में जिसकी मौत हो जाती है, तो किस कारणवश और क्या मांग है आप लोगों की? मांगे तो बस यही है कि सीवर में हत्याएं बंद करो और मेला प्रथा खत्म करो। सरकार का कहने का मतलब है कि वो ये बंद कर चुके हैं, मतलब उनके नजरिए में भी केस नहीं निकलता है, लेकिन आज भी सफाई कर्मचारियों की बहुत होती है सीवर में और उनके परिवार वालों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। आप समझ सकते होंगे कि जैसे परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और अगर उसी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को मतलब बिखर जाना होता है पूरा, फिर उस परिवार को कोई नहीं देखता और सरकार भी नहीं। ये जो आपने साइकिल रैली स्टार्ट की है, ये कहाँ से और कहाँ तक जाएगी? सर, ये अम्बेडकर चौराहे से, भगवानगंज अम्बेडकर चौराहे से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ से विठल नगर जाएंगे, चिराई कॉलोनी जाएंगे, उसके बाद राजीव नगर कॉलोनी में इसका समापन हो जाएगा। भाई साहब, आज जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं आप, उसका क्या उद्देश्य और किस संबंध में निकाल रहे हैं? ये मिशन 2021 सफाई कर्मचारी आंदोलन में स्वाभिमान संदेश साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। ये आज भी देश में जो मैला प्रथा विद्यमान है, आज भी सीवर में जो लोग मर रहे हैं, आज भी जो है 2013 का एक्ट जो आ गया है मैनुअल स्कैंडेंस एक्ट और 27 मार्च 2014 का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आज भी लोग बाग जो है गटर में मर रहे हैं, सीवर में मर रहे हैं और हाथों से जो मैला ढोने का काम अभी भी जारी है, उसके विरोध में ये काम हो रहा है और सरकार से हम लोग की यही डिमांड है कि वो 2013 का जो एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको जल्दी से जल्दी सख्ती से लागू किया जाए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? पवन वाल्मीकि हैं। ये सफाई कर्मचारी आंदोलन से बैनर तले आयोजित किया जा रहा है।